बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल के सामाइन व नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम दोस्तों, मोहतरम साथियों, आज का नुस्खा हमारे भाइयों के लिए भी है, हमारी बहनों के लिए भी है, मर्द और औरत दोनों के लिए आज मैं नुस्खा लेकर के हाजिर आया हूँ। और आज का नुस्खा बड़ा कीमती है, और ये आज का जो नुस्खा है ये खून को पतला करने वाला नुस्खा है, हार्ट ब्लॉकेज में फ़ायदा करने वाला नुस्खा है, हार्ट अटैक में फ़ायदा करने वाला नुस्खा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे की, मोटापा कम कैसे हो, मोटापे को कम कैसे किया जाए, वो मोटापा जो नुकसानदेह होता है। वजन ज्यादा जब होता है तो गैस की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी और सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। वजन जब हद से गुजरता है तो वजन को कैसे कम किया जाए, बड़े हुए वजन को, नुकसान देने वाले वजन को कैसे कम करें, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्म पानी पीने से, पैदल चलने से, खुराक कम करने से वजन कम हो जाता है, लिमिट में आ जाता है। ये यहाँ तक तो बात हो गई। अब दूसरी बात हम ये करेंगे कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनका खून गाढ़ा है, खून का दौरान कम होता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है। यानी हार्ट अटैक कब होता है इंसान को, जब उसका खून गाढ़ा हो जाता है, खून रुक जाता है, दिल की नालियों तक खून नहीं पहुँचता, दिल तक, दिल जो पंप है इंसान के अंदर, वो पंपिंग खून की नहीं कर पाता, खून पूरे जिस्म में सरायत नहीं होता, दिल तक जब खून रुक जाता है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक जब होता है, जब खून गाढ़ा हो जाता है, तो खून को कैसे पतला किया जाए ये हमें बताना है। देखिए आपको सिरका लेना है, आपको क्या लेना है, सिरका और लीमू का रस। सिरका और लीमू का रस ठंडा होता है, इसमें आपको डालना है लहसुन और अदरक का रस। लहसुन सिरके में आपको डालना है लहसुन और अदरक का रस और लीमू का रस। सिरका और लीमू ठंडा होता है और लहसुन और अदरक का रस गर्म होता है। जब ये चारों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ये न ठंडा रहेगा न गर्म रहेगा, बल्कि मोतदिल हो जाएगा। तो चार चीज़ें आपको लेना है, सिरका और लीमू का रस और लहसुन और अदरक का रस, इनको आपस में मिला लें और मिक्स कर लें खूब। और जब ये आपस में मिल जाएगा तो ये मिश्रण बन जाएगा, न ठंडा रहेगा न गर्म रहेगा, मोतदिल हो जाएगा, ये फायदेमंद हो जाएगा। तो जब ये मोतदिल हो जाता है तो इसे आपको इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल आप करेंगे तो हार्ट ब्लॉकेज और दूसरे मराज में भी ये फायदा करता है, यानी खून को गाढ़ा करेगा, गैस को ख़त्म करेगा, ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाएगी, खून आपके जिस्म में खूब दौड़ेगा, हार्ट अटैक की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। और आपका जिस्म का कोई हिस्सा अगर सुन पड़ जाता है, सुन जब पड़ता है जबकि आपका खून वहां तक ना पहुंचता हो, जिस्म के किसी हिस्से में अगर खून नहीं पहुंचेगा तो आपका वो हिस्सा सुन हो जाएगा, तो आपको गोंद सिया इस्तेमाल करना चाहिए। गोंद सिया आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खून वहां तक भी पहुंच जाएगा, वो सुन जो आपका हिस्सा सुन हो रहा है तो वो सुन ना रहेगा बल्कि ठीक हो जाएगा। और खाने पीने का आप ध्यान रखें, है ना, ऐसी चीजें ना खाएं जिनसे के खून हमारा गाढ़ा हो, खून से ही फिर बुनियाद पड़ जाती है हार्ट की। तो लिहाजा आप इन चीजों का सेवन करें और फायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।